साग्रजातं सहगणरघुनाथलितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितां श्रीविशाखानितां ॐ ज्ञानतिमिरां धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये भक्ति श्रीरूप सिद्धान्ति प्रभव श्री महात्मने विशुद्ध भक्ति सिद्धांत वाणी प्रचारिणी सते सात्वत शास्त्र सद्व्याख्या निपुनाय महामते ब्रह्म सूत्र श्रुति स्मृतौ गौड़ीय भाष्यकारिणी शास्त्रयुक्तास्ततस्तत्र विप्रतिपतिनाशिने श्री सारस्वत गौड़ियाधीश सेवा प्रकाशिने वैष्णवाचार्य देवाय नित्य कल्याणदायिने नमः विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायणेति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदर्श औदार्य माधुर्य गुणैः युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं स्तं शिरसा नमामि नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणि श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशवायते नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने त्रिभासभानिदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रमाढ श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणे नाम गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुधे पादाम्बुजायते नमः नाम भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभराय ते गौराभिर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दावानाला साम संसार दहनी दग्ध जीवा कुला उधर कारणी करुणा भारी दाव कृपा भारी दानी बंदे जय गुरु चरण कमला नित गीता वाच श्री हरि कीर्तने रहे नागना महावत मनी रोमांचकम पासो आई गौरा
पपे नाई का पुण्य रेश अमार जीवन सदा पापे नाई का पुण्य रेश Yeah.
कृष्णदेव भवन्त वन्दे कृष्णदेव Yeah.
Yeah.
ज्यादा टाइट इन दोनों को तेज कहाँ हो जाए हरि बोल हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत हरे राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर सुंदर कहा है विश्राम कर सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव को यथाजुग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम गतकल्य श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज का प्रश्न का उत्तर को देते हुए क्या कह रहे थे, बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कृति तपस्य समर्तव्य इच्छता भय। अगर जीवन में कोई अभय बनना चाहते हैं उनको क्या करनी चाहिए, उनको सर्वात्मा भगवान ईश्वर और हरि कहते इनको कथा सुननी चाहिए, इनकी कथा कीर्तन करनी चाहिए, इनकी कथा स्मरण करनी चाहिए। लेकिन ये सारे भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सा है, इसमें कीर्तन कीर्तन है। इसलिए उसका सेकंड श्लोक में कहते हैं, ये श्लोक याद करना, बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकुत भयम् योगिनां नृपनिर्णित हरे नामानुकीर्तनम्। इसमें कहते बोले एतत् हरे नामानुकीर्तनम् बोले एतत् निर्विद्यमानानां, इसका मतलब है कहते राजन जो लोग संसार से संपूर्ण रूप में निर्विद प्राप्त हो गए हैं, हैं संसार से जो ऊब गए हैं सबके सब, ऐसे जो एकांत जो भक्त है और जो लोग इच्छताम अकूत भय जो जीवन में अभय बनना चाहते हैं, जो लोग स्वर्ग मोक्षद आदि जो को इच्छा नहीं करते, अभय मतलब होता है स्वर्ग और मोक्ष कभी जो इच्छा नहीं करते हैं बा इच्छा करते हैं इसको बोले। और कहते जोगी नाम निर्पनिर्णित जितने आत्माराम जितने जोगी ये सबके सब एक ही सिद्धांत पर पहुंचे हैं, क्या है,
बलहरि नामानु कीर्तनम। इनको जीवन में हरि का नाम कीर्तन करनी चाहिए। इसलिए जो अभय बनना चाहते हैं और जो संसार से जो संपूर्ण रूप में उब गए हैं, निर्वेद प्राप्त हो गए हैं, जो लोग स्वर्ग मोक्षादाय इच्छा करते हैं, जो लोग आत्माराम योगी, ये सब के सब एक ही बात कहते हैं भगवान की नाम कीर्तन करनी चाहिए। तो इसको परमेश्वरी विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर टीका में कहते हैं, कहते जितने भक्ति के अंग है, कहते सारे भक्ति के अंग में जो चक्रवर्ती चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती समझो, चक्रवर्ती जो राजा, कहते सारे भक्ति अंग में ये चक्रवर्ती चूड़ामणि कौन अंग है, बोले भगवान की नाम कीर्तन। तीनों में भी भगवान का नाम कीर्तन है। इसलिए भागवत में ये जो नाम कीर्तन को अभिधेय बताया, अभिधेय मतलब क्या, बोले भगवत प्राप्ति का उपाय, उपाय अभिधेय मतलब होता है उपाय क्या है, केवल उपाय है भगवान का नाम कीर्तन है, सारे साधन में ये चक्रवर्ती है। हाँ, इसलिए कहते भगवान का नाम कीर्तन करनी चाहिए। कहते जितने भक्ति अंग में, हम लोगों ने पहले सुना था तीन भक्ति अंग है, श्रवण कीर्तन और स्मरण है, उसके अंदर में कीर्तन को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। बोले कीर्तन में भी बहुत तरह का कीर्तन है, बहुत तरह का कीर्तन है। कहते कौन सा कीर्तन इसमें सर्वश्रेष्ठ कीर्तन है, बोले जिस कीर्तन में भगवान का नाम रूप गुण संबंधी जो कीर्तन है, कहते ये कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। हैं, जैसे हम लोग आते हैं ना, जैसे विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव बोल हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे वीर नृसिंह वामन श्रीमधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम उत्तनाघात न कैटभ सातन जय दशरथ नाम। इसलिए कहते जिस कीर्तन में भगवान के नाम हो, जिसमें रूप हो, जितने गुण हो, जिसमें लीला जो कीर्तन है, कहते ये सर्वश्रेष्ठ। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़े सुंदर सुंदर इसको पर भी कीर्तन किया, भले जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। ऐसे कुछ कीर्तन है जिसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला नहीं होता है, लेकिन ये सब कीर्तन में राधा माधव मतलब क्या, राधा का जो अत्यंत प्यारे हैं कुंज बिहारी, जो कुंज में विहार करते हैं, इसलिए राधा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ, जो गोपियों का जो बड़े प्यारे हैं। इसलिए कभी जिस कीर्तन में भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला हो, जिस ठाकुर के नाम में, इसलिए भक्तमन ठाकुर और एक कीर्तन किया, कौन सा, बलहरि नाम तो हरि का स्वरूप, ये भजन है ना, सवेरे सवेरे भजन गानी चाहिए। हाँ, ऐसे कुछ भजन है जो केवल सवेरे सवेरे गाई जाती है, ये हरि नाम तो हरि का स्वरूप और जीव जाग भावना भावना मन और एक हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई, ये सब कीर्तन को है। अरे ये नाम गाय गोरा मधुर स्वरे और उदिल अरुणा पूर्व भाग, ये सब कीर्तन और कली को पूरा कदन यदि चाहे, ये सब विशेष करके सब के सब ये सवेरे सवेरे कीर्तन ये सब के सब। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जिस जिसमें भगवान का नाम रूप गुण लीला सब नाम कीर्तन हो, कहते ये कीर्तन श्रेष्ठ है। हैं, कहते केवल कहते मैं नहीं बता रहा हूँ, कहते पूर्व पूर्व जितने आचार्य जो लोग है, इन लोगों ने सब के सब सिद्धांत किया। इसलिए जोगी नाम नृप निर्णित, जितने बड़े बड़े जोगी जोगी मतलब जितने सब के सब भक्त लोग, उन लोगों ने यही बात को उन्होंने निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है, बोले भगवान की नाम कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ। बोले इसका कारण क्या है, कहते इसका कारण क्या है, बोले इसका कारण कहते हैं, कहते जो नाम काल देश और पात्र, ये तीन देश चीज को लिखो, बोले ये जो भगवान का नाम है, कहते काल देश और पात्र, ये तीनों अवस्था में प्रभु का नाम को कर सकते हैं। कहते काल मतलब क्या, काल मतलब ये होता है, भगवान ने ये नहीं बताया, देखो केवल सवेरे सवेरे में नाम को ले सकते हो, दोपहर में नहीं कर सकते हो, केवल दोपहर में नहीं ले सकते हो,
ले सकते हो, रात में नहीं लेना है। भगवान ये नहीं बताया, भगवान क्या बताया, कभी भी मेरे नाम को, नाम को, मेरे नाम को कभी भी मेरे नाम को तुम ले सकते हो। हैं इसलिए नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति स्तरा पिता नियमित स्मरण काल। हैं ये जो श्लोक में कहते हैं नियमित स्मरण काल, भगवान ये कभी नहीं बताए इस समय तुम नहीं कर सकते हो। इसलिए जब महाप्रभु के भक्त जो श्रीवास पंडित वो क्या करते थे, रात भर हरिनाम करते थे, मृदंग मजीरा लेकर के। इसलिए कुछ कुछ लोग उनके ऊपर बिगड़ गए, बोले गोसाई अभी सो रहे हैं और रात में चिल्ला रहे हो, ठाकुर को नींद गिर जाएगा। किसी किसी लोग कहते ना, अगर कोई सोया हुआ हो, अगर उनको उनको अगर उनको जोर जोर से बुलाओगे नींद नहीं खुली जाएगी। बोले अगर ये चातुर्मास में ठाकुर जी शयन करते हैं और देखो इनका कोई बुद्धि बुद्धि नहीं, रात भर चिल्ला चिल्ला करके, खाना तो मिलता नहीं, भूख तो भूख में मरते हैं, और इसीलिए ये क्या करते हैं, रात भर चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सब चीख चीख करके हरि नाम करते हैं। उनका भूखे पड़ रहा है, इसलिए इसलिए सब चिल्ला चिल्ला करके भगवान की नाम करते। इसलिए यहाँ कहते हैं कालत, इसमें कोई समय नहीं है, किसी समय भी प्रभु का नाम कर सकते हो। पर फिर पात्र, पात्रगत मतलब क्या, इसमें ये भी नहीं बताए हैं। देखो केवल हिंदू ही कर सकते हैं, मुसलमान नहीं कर सकते, क्रिश्चियन नहीं कर सकते, जैन नहीं कर सकते, उसमें ये भी कोई पात्र की कोई पाबंदी नहीं। ये नाम को कोई भी ये नाम को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए कोई एक मुसलमान था, वो शौच क्रिया में बैठा हुआ था, शौच क्रिया में बैठते समय इतने में एक जंगली सुअर, सुअर बहुत बड़े बड़े होते हैं जंगली, और उसको जंगली जो सुअर उनको सामने दांटता रहता है, हैं जैसे भगवान वराहदेव है ना, वराहदेव का जैसे जो सिंह रहता है बड़ा भयानक खतरनाक होते हैं, इतने में उसने एक मुसलमान को देख करके बड़े तेजी से घुड़घुड़ा घुड़घुड़ाते हुए आए। जब आए, मुसलमान सब मांस खाते हैं लेकिन सुअर मांस नहीं खाते हैं, इसलिए सुअर के लोग, सुअर के लोग हराम कहते हैं। क्या कहते हैं? हराम। इतने में जो सुअर आया उसको देख करके हराम हराम हराम, हैं इतने जब उस सुअर इतने तेज से मारे उसको पेट में, पेट फाड़ दिया उसको, लेकिन उसी समय में क्या बोल रहा था, हा हराम। वो तो हराम हराम गाली दिया, लेकिन ठाकुर जी बड़े दयालु, उसने कहा, इसने कहा हा राम, हैं हा राम, बस इससे इनको उद्धार हो गया। काले खान ठाकुर जी, इसलिए कहते यहाँ पर, कहते कोई पात्र जो है यहाँ पर ये नहीं बताए, नहीं केवल हिंदू ही कर सकते हैं ये नाम को, मुसलमान नहीं कर सकते। इसमें कोई पात्र अपात्र का कोई विचार नहीं, कोई काल का नहीं, कोई पात्र का नहीं, और कोई कहते कोई देश है, देश इसका कोई पाबंद नहीं। इसका मतलब नहीं केवल भारत में जब होगी ना तब तुम नाम कर सकते हो, लंदन में नहीं, फ्रांस में नहीं, जर्मनी में नहीं, अमेरिका में भी नहीं, कहीं भी तुम रह सकते, रह करके भगवान की भजन कहीं भी कर सकते हो। इसलिए कहते ये हरिनाम को है, ये हरिनाम को इतना क्यों, इतना श्रेष्ठ साधन क्यों बताया, तो यहाँ विश्वनाथ ठाकुर कहते इसीलिए उसमें क्यों देश काल पात्र को कोई विचार नहीं, कोई भी कर सकता है, किसी समय भी कर सकते हो और किसी अवस्था में भी कर सकते हो। कल हम सुन रहे थे ना श्री अजामिल, वहाँ पर एक श्लोक आता है, मेरी याद नहीं आ रही, कहते भगवान के नाम की कितने महिमा वहाँ पर बताए, वहाँ पर बताए अजामिल अपी, अजामिल मतलब जो इतने दुष्ट था, हैं अपना बच्चों को पालन करने के लिए उसने चोरी गुंडागर्दी डाकू सब कुछ उसने सारे पाप किया है, हैं लेकिन किसी समय में ये भगवान का नाम लिया, जिस समय टाटी पेशाब कर रहा था जमदूत को देख करके उसको सारे टाटी पेशाब निकल गया, संपूर्ण अपवित्र अवस्था में था, फिर उसने जो बेटा का नाम लिया किस रूप में, मतलब कहते चित्कार करते हुए, कहते उन्होंने चित्कार करते हुए लिया है, जैसे होता है ना बुद्धि जब स्थिर हो, स्थिर बुद्धि से हम भगवान का नाम लेते, ऐसे नहीं वो चीख करके डरे हुए, इधर एक तरफ में जमदूत उसको खींचते हुए प्राण को ले जा रहे,
उसमें चित्कार करते हुए उसने नाम को उन्होंने ग्रहण किया है। इसलिए मतलब उसमें बताए किसी तरह से भी प्रभु का नाम अगर निकल जाए, अपवित्र क्यों नहीं हो, चित्कार के किए करके नहीं हो, कितने पापी क्यों नहीं हो, और उसने भगवान को नहीं बुलाया, किसको बुलाया था, अपने बेटे को, सभी प्रभु का नाम कभी भी कल्याण कर दिया। इसलिए यहाँ विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, यहाँ पर विश्वनाथ ये बात कह रहे हैं, किसी अवस्था में भी ठाकुर का नाम लोगे तो कल्याण कल्याण है। इसलिए ये नाम साधन को ये सर्वश्रेष्ठ साधन में सर्वश्रेष्ठ साधन प्रभु का नाम को उन्होंने बताया है। इसलिए कहते उपकरण आदि शुद्धि व अशुद्धि भी कोई भय नहीं, कोई उपकरण है हैं, और शुद्धि हो नहीं तो अशुद्धि हो हैं, इसलिए उसका भी कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए कि तो भगवत नाम कखन अभिजो करे ना, इसलिए जो भगवान का जो नाम है, इसलिए जो मुसलमान सेवादि कर्म सज्ज करते पर ना किंतु भगवान नाम कीर्तन कखन अभिजो करे ना। इसलिए कहते जैसे जैसे सब मुसलमान बल्कि नहीं मुसलमान जैसे मुसलमान नहीं मुसलमान ठाकुर का सेवा नहीं कर सकता है, हैं मुसलमान नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु का नाम लेने के लिए कोई पाबंदी नहीं, ऐसे नहीं प्रभु का नाम नहीं कर सकता, भगवान की नाम कर सकता है, सेवा नहीं करने पर भी भगवान का नाम को ये कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का नाम कभी अभिजोग नहीं करता है। भक्तगण स्वर्ग कामी मोक्ष कामी आत्माराम योगी पक्ष हो हरे नाम कीर्तन सही सही फल साधन रूपे निरुक्त हया छे। इसलिए जो भक्त जो स्वर्ग कामी जो मोक्ष कामी जो आत्माराम योगी इनके पक्ष में भी हरि नाम कीर्तन ही ये सर्वश्रेष्ठ साधन सभी के लिए, ये प्रभु का नाम सभी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद इसमें कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं, अरि मुक्त कुल रूपासमानम हरि नामम संश्रयामी। इसलिए कहते जो अर मुक्त कुल उपास्यमानम, अगर कोई बोलेगा नाम को कौन कर सकता है, बोले जो बद्ध जीव संसार में जो दुख कष्ट पा रहे ये कर सकते, बोले नहीं, कहते प्रभु का नाम जो मुक्त कुल उपास्यमान जो संपूर्ण मुक्त हो गए कौन, जैसे यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे श्री हरिदास ठाकुर कौन है, ब्रह्मा, ये प्रहलाद महाराज ये क्या कर रहे हैं, दिन में कितने कितने हरिनाम करते थे, तीन तीन लाख हरिनाम करते। रूप गोस्वामी कहते स्वयं चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण इति उच्चैः स्फुरित रसना नाम गणना। महाप्रभु स्वयं हैं, महाप्रभु स्वयं ये हरि नाम संकीर्तन को उच्चे स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और ये हरि नाम सर्वप्रथम किसके मुंह से सबसे पहले निकला, ये सब बोलो कौन बोलो, सर्वप्रथम ये हरिनाम किसका मुंह से निकला था, किसके, भगवान के नाम से नहीं, ये सर्वप्रथम जो हरे कृष्ण महामंत्र सबसे पहले किसके मुंह से ही निकला है, शिव जी के मुंह, पार्वती जी को बता रहे थे, ब्रह्मा जी, सबका नाम इसका नाम लग गया, हाँ राधा रानी के मुख से सर्वप्रथम राधा रानी कृष्ण विरह में सर्वप्रथम राधा रानी का मुंह से ये कृष्ण विरह में ही ये नाम निकली है, राधा रानी के मुख से ये महा मंत्र निकला। इसलिए गुरुदेव ने जो ग्रंथ प्रकाशित किया ना उस ग्रंथ में वहाँ पर श्लोक दिया है, कैसे राधा रानी कृष्ण विरह में सबसे पहले राधा जी के मुंह से ये नाम निकला। इसलिए उसमें इसमें क्या विरह मिलन है इसमें है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते श्री नारद जी क्या करते हैं, बोले नारद मुनि बजाए राधिका रमण नाम हरि नाम मणि उदित है भक्त गीत स्वामी नारद मुनि बजाए राधिका रमण नाम। इसलिए नारद हर समय बिना में प्रभु जी की राधा कृष्ण के नाम उच्चारण करते। इसलिए यहाँ पर कह रहे विश्वनाथ चक्र ठाकुर श्री प्रभुपाद उदाहरण देकर कह रहे भगवत नाम को केवल हम ही करेंगे बद्ध जी भी ऐसे नहीं, कहते मुक्त कुलर जो उनका भी उपास्य प्रभु भगवान की नाम है,
स्वयं कृष्ण ही नाम को जप करते हैं, सब दूसरे की बात छोड़ दो। है महाप्रभु जब आए बैठ करके इमिल पृथ्वी पर नीचे इमिल तना में बैठ करके महाप्रभु वहीं पर बैठ कर सवेर से दोपहर तक बैठ करके ये हरिनाम कीर्तन को महाप्रभु स्वयं करते थे। इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह भगवान का नाम रस स्वरूप भगवान की ये नाम ही, इसलिए कहते खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञान तमिहायुष मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरि। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित कोई डरने का कोई बात नहीं है। तुम सोच रहे ना मेरे पास में समय नहीं, केवल 7 दिन समय मेरे पास में, कैसे मेरी उद्धार होगा? तो उन्होंने उदाहरण दिया, खट्वा का नाम राजा थे, इन्होंने बड़ी पराक्रम की, पृथ्वी लोक में रहते थे, बड़ा पराक्रम थे ये है। तब एक समय देवता दैत्य में युद्ध हुआ तो इनके पराक्रम को देख करके देवताओं ने इनको अपना सेनापति पद में नियुक्त करवाया। और देवता दैत्य में घमासान जब लड़ाई हुई, लड़ते लड़ते क्या हुआ, देवताओं का जीत होगी, दैत्यों को उन्होंने परास्त कर दिया, क्योंकि इनको उन्होंने सेनापति पद में इनको ही नियुक्त किया था। अभी जितने सारे देवता 33 करोड़ देवता तो खुश हो गए, अरे वाह क्या पराक्रमी है, मरते जगत में राजा इतने पराक्रमी। अभी प्रसन्न होकर बोले बताओ तुमको क्या चाहिए, क्या चाहते हो, हम सबके सब 33 करोड़ देवता हम प्रसन्न, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले हमको संसार से मुक्ति चाहिए, संसार से हमें मुक्ति चाहिए। देखो ये 33 करोड़ देवता मिलकर भी कोई मुक्ति नहीं दे सकते। बोले भैया मुक्ति तो हम नहीं दे सकते, मुक्ति तो केवल मुकुंद ही दे सकते हैं, है इसलिए उनका नाम मुकुंद है, जो मुक्ति को ददाति जा साहेब मुकुंद मुक्त वही दे सकते हैं। बोले भैया इतने सारे देवता को हमने संतुष्ट कर दिया तो कोई मुक्ति भी नहीं दे सके। यहाँ प्रश्न क्या देते भैया, ये देवता 33 करोड़ देवता अगर खुश कर दोगे ना तो तुम्हारे कुछ होने वाले नहीं है, बस एक मुकुंद कृष्ण को प्रसन्न कर दो, बस उससे ही काम हो जाएगा। जब बोले ये केवल मुकुंद दे सकते हैं, तब उन्होंने बोला एक काम करो, बोले मेरे पास में कितना समय अभी है बताओ। उन्होंने बताया बोले तुम्हारे पास में 1 मुहूर्त समय है, बोले मेरी परमा को थोड़ा बढ़ा दो। बोले अभी नहीं कर सकते परमा को भी हाँ बढ़ा नहीं सकते। बोले सब कौन कर, बोले कृष्ण सेवाई इस काम कोई नहीं कर सकते हैं, वो केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। बोले फिर बोले एक काम करो, मेरे को ऐसे एक द्रुतगामी विमान दो जो कि मैं जल्दी से जल्दी में इसी मरते जगत में जाऊं, और मेरे पास में जो 1 मुहूर्त मतलब 48 मिनट ही है, मैं जा करके ये मन को प्रभु की चरण में लगा दूं और लगा करके संसार से मुक्त हो जाऊं। उन्होंने जल्दी से आए मरते जगत में और अपना सारे इंद्रियों को मन को उन्होंने एकाग्रता करके भगवान के चरण में अपना मन को लगा दिए तो उन्होंने 1 मुहूर्त में भगवत प्राप्ति हो गई, 1 मुहूर्त में। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित कोई चिंता की बात मत करो, तेरे पास में तो 7 दिन है, इन्होंने 1 मुहूर्त में उन्होंने भगवत प्राप्ति उन्होंने किया है। इसलिए हाँ परित्याग करते मात्र सरना भगवान दीर्घ कहते इनकी जो खट्टों का राज होंगे इनका ही पुत्र हुए जो दीर्घबाहु, और उनका जो पुत्र हुए रघु, और उनका जो पुत्र हुए आज, और उनका जो पुत्र हुए दशरथ, और उनका ही बेटा श्री सियावर रामचंद्र की इनकी बेटा श्री प्रभु राम हुए हैं, जिन्होंने बड़े सुंदर सुंदर प्रभु जी की इसने बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने लीला की है। इसलिए आप चिंता मत करो, खूब भगवान की भजन भी अपना मन को लगा दो। निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हाँ अभी आज कौन बोलेगा कथा? मैं तो बोल चुका हूँ, बोल चुका इसको आज राधारमण बोलेगा, इसलिए कल बोल चुका, मतलब पूरा हम पूरा भागवत सुनना चाहते पहले से पूरा के पूरा। उन्होंने 6 प्रश्न कैसे सोनुका ऋषि कैसे उपस्थित हुए, हाँ इसलिए इस पूरा के पूरा। अब तुम बोला अब जाओ तुम्हें आ सब श्यामान हिंदी बोले हिंदी में पहले शुरुआत में या नहीं थे
जब छह प्रश्न और उनका जो छह प्रश्न और ये हमारी ये तत्व में आ सको तत्व में आ जा देखो ऐसे नहीं कि मैं एक श्लोक सुना दिया, मैं पूरा पहले से पूरा अंतिम तक छह प्रश्न किया है, उसमें उन्होंने क्या क्या उत्तर दिया सबको पूरा रेडी। कल तुम्हारी नंबर है निगम कल्पत्र, एक श्लोक भी आधा तुमने बोले और राधा रमन आधा बोला, इसलिए पूरा पहले से हम सुनना चाहते। अभी ये बोलेगा इतना सुना, ये बोलेगा अभी ये जब खत्म करेगा उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा, ठीक है? यहाँ से नहीं बोल सकता जो छह प्रश्न इसको यहाँ से प्रथम बहुत जाकर पूरा हम चाहते हैं ना, जो प्रथम स्कंद है ना, हम चाहते हैं प्रथम स्कंद एकदम पूरा पूरा रेडी हो। प्रथम स्कंद कल हम सबसे प्रथम स्कंद का जो वही आप मो पाखु आस तुम कहीदेवी प्रथम स्कंद कौट आरंभ कहाँ से उसको हम चाहते पूरा प्रथम स्कंद रेडी हो, पूरा के पूरा श्लोक और सारी कथा को रेडी होनी चाहिए। ए तुम रेडी हो तुम? हाँ अच्छा, इधर से नोट कर रहा है कि ना बैठा हुआ? हाँ नोट कर रहे हो तो क्या क्या इधर सुन के इधर निकाल रहे हो? इसलिए मैंने जो कल तुम क्या करते देखते हो हरे कृष्ण। और ललित क्या करता है? छह प्रश्न नहीं पूरा, मैंने जितना मैंने जितना सब क्लास दिया सब इतने छह प्रश्न नहीं। तुम लोग ना तो बहुत ढीला लगे, खा पियो सो जाते हैं, बस घूमते ये करते हो हाँ फे फे करते करते दावत है। तुम लोग तुम्हें कोई सिंसियर नहीं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है आज बड़े समय भागवत कथा को तुम करते हो? कौन है कौन कौन बोलते हो? ये कथा हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। अरे क्यों हंस रहे? जब तुम खुद बोलते हो चुप चुप हो जाते हो। हंसी आ रही है ना इनका? कोई कथा को हंसी उड़ाओगे तो सीरियस में नहीं ले सकते। नहीं हंसना नहीं क्यों हंसते हो बिना कारण से? जो जितना हंसता है ना बिना कारण से उसको रोना पड़ता है उतना जीवन में हमको। कहते हैं कि ये जो कथा है हम लोगों का इसलिए इतना सौभाग्य है कि ये कथा इतना दुर्लभ है कि ये किसी भी लोक में प्राप्त नहीं होगा और हमें अनायास ही भूलोक में और भारत भूमि में हम लोगों को जन्म मिला है। तभी हम भागवत कथा की महिमा को जानकर रसास्वाद करने के लिए हमारी श्रद्धा जागी है, इसीलिए हम बड़े ही सौभाग्यवान है आज हमें भागवत कथा रस की प्राप्ति हो जा रहा है। कहते हैं कि ये कथा स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठ नास्ति अह रस। ये श्रीमद् भागवत कथा वार्ता है। ये स्वर्ग लोक में इंद्र लोक में नहीं है तथा ब्रह्म लोक में सत्य कैलास में भी नहीं है, वैकुंठ में भी ये भागवत कथा सुनने के लिए नहीं मिलता। कहते भाई प्रमाण है क्या? तो तुलसीदास जी कहते हैं सबसे पहले कहते हैं स्वर्ग लोक में किस प्रकार की कथा नहीं है इसका प्रमाण है। जब कथा प्रारंभ होने जा रहा था श्रीमद् भागवत की तब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को कथा रस को पिलाने के लिए जाते थे, परंतु उस समय देवताओं ने अपने विमानों से वहां पर उतरे और आकर परीक्षित महाराज जी के लिए सुखदेव गोस्वामी को एक कलश अमृत कलश पकड़वाया कि जो सुखदेव गोस्वामी आप इस कथा अमृत को परीक्षित को पिला करके उसको अमर बनाना चाहते हो ये अमृत पान मात्र से वह अमर हो जाएगा और जो कथा अमृत आप परीक्षित को देना चाहते हो
हम आपको उसके विनिमय में ये जड़ अमृत देख करके कथा अमृत हमें बिता दो। इसको सुन करके जो सुखदेव गोस्वामी थे उन्होंने यहाँ पे कहते हैं कि जो कथा अमृत है ये अमृत है, परंतु जो जड़ अमृत है ये वास्तव में क्या है, एक वंचना मात्र ही है। क्योंकि यहाँ पे तुलना करते हैं विद्वान लोग, तुलना करते हैं कथा अमृत और ये जड़ अमृत में क्या फर्क है। सबसे पहले कहते हैं जो जड़ अमृत है, जो देवताओं ने इसको पान करते हैं, जो भी कोई देवता योनि में आता है सबसे पहले उसको अमृत पिलाया जाता है। कहते हैं इसमें और कथामृत में क्या अंतर है, जड़ामृत जो है ये जो जीवों के पुण्य को ह्रास करता है। कोई व्यक्ति जो कथा है ना तो अकल अकल हिंट हिंट देकर कही दे, खाली हिंट हिंट गोट कथा को फेणी बेसि न कही खाली हिंट हिंट देकर, क्योंकि कथा बहुत सारे सुन ली खाली हिंट हिंट देकर तब रुको। तब देवता लोगों को उन्होंने देखा कि वास्तव में ये कथा सुनने के ये अधिकारी नहीं, क्योंकि कथा जो है वो इतना ऊंचा वस्तु है उसके विनिमय कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि कथा ये कौन है, तेने वांग्मय मूर्ति, ये भगवान की शब्द ब्रह्म स्वरूप है, तो इसको क्या कोई तोड़ सकता है, इसको क्या कोई किसी के साथ तुलना नहीं कर सकता। इसलिए अनाधिकार जान करके उनको वहां से भगा दिया। और वहां पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो कांच को मणि भगा, कहां पे कांच का टुकड़ा ये जड़मृत और कहां पे ये कथामृत है। इसीलिए स्वर्ग लोक में भी नहीं है, इसका यह प्रमाण है परीक्षित महाराज जी के पास, सुखदेव गोस्वामी के पास देवता प्रकार थे। इसके बाद आगे कहते हैं कि ये ब्रह्म लोक में भी सत्य लोक में भी ये कथा नहीं है। इस उत्तर में तुलसीदास जी कहते हैं कथा है तुबेधि हवन बिहाई सुनिबत सारदे आवत धाई। तो कहते हैं कि कथा है तुबेधि भवन बिहाई सुनिबत सारदे आवत धाई, इसको सुनने के लिए ब्रह्मा जी भी अपने पत्नी सारदा यानी कि सरस्वती के साथ कथा में आते हैं। अब आगे कहते हैं कि कैलाश में, कहते कैलाश में भी कथा नहीं है, इसीलिए वे शिव जी और पार्वती जी भी क्या करते हैं किसी कथा को सुनने के लिए कहां पे आते हैं, कहते हैं कि एक बार तृतीय दिक माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, ये अगस्त ऋषि के पास आते हैं दोनों कथा सुनने के लिए। कौन, शिव जी और पार्वती जी। अगर कैलाश में होता तो वो इस लोक में क्यों आते हैं। फिर आगे कहते हैं कि वैकुंठ नास्ति अमृत, वैकुंठ में भी ये कथा नहीं है, इसका प्रमाण है। कहते हैं कि एक बार गए गरुड़ जहां बसे भुसुंडा राम भक्ति अति राम चरण अति भक्ति अखंडा। कहते हैं जो गरुड़ जी भी क्या करते हैं ये काक भुसुंडी के पास आकर के कथा सुनते हैं, तो ये वैकुंठ में भी नहीं है। इस प्रकार देखा जाए एक एक व्यक्ति ब्रह्मा जी शिव पार्वती और गरुड़ जी भी अपना अपना स्थान को त्याग करके कथा सुनने के लिए इसी भूलोक में आते, परंतु हमारे भाग्य ऐसा है कि हमें इस कथा को सुनने के लिए हमें अनायास ही प्राप्त हो रहा है, हमें कहीं पे भी किसी भी स्थान को छोड़ करके जाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ जो जो वस्तु है उसको हम जैसे प्राप्त करते हैं उसके मूल्य कुछ देना पड़ता है। कहते हैं इस कथा के लिए कोई मूल्य क्या दे सकते हैं हम, क्योंकि ये इतना दुर्लभ कथा है श्रीमद् भागवतम की। कहते हैं इसके लिए जो शिवजी पार्वती जी को कहते हैं कि पार्वती अति कठिन दुर्लभ संसार विमिषक दंडवर एक उबारा, कि कहते हैं ये अति दुर्लभ है और ये कभी विशेष विशेष कृपा से विशेष व्यक्ति को एक निमिष के लिए प्राप्त होता है। तो पार्वती इसको सुनकर के कहते हैं कि अब जैसे हम लोग भागवत कथा आयोजन करते हैं तो उसमें बहुत प्रकार की क्या करते हैं, होड़ी लगाते हैं बड़े बड़े और सबको जाकर के निमंत्रण देते हैं, सबको बुलावा देते हैं आओ कथा में, और बहुत भीड़ भी होती है, प्रसाद की व्यवस्था होता है, तो ये तो बहुत आसानी से क्या करते हैं लोग आ जाते हैं। और आप कह रहे हो कि बहुत दुर्लभ बात है, दुर्लभ कथा है, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि नहीं, अति हरि कृपा जा पर कोई पाप दहिय संगत सोई। कहते हैं तो कहते हैं कि जिसके ऊपर भगवान की बहुत ही अति हरि कृपा होती है तब जाकर के वो व्यक्ति कथा में बैठ सकता है। राम कृपा बिना आयु न जाए, कहते हैं बिना राम जी की कृपा के
ये कथा में कोई आज आ जाएगा ये हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे अनेक अनेक उदाहरण के माध्यम से शिव जी पार्वती जी को समझा रहे। अब जो व्यक्ति के मन में ये है कि हम कथा में तो आए, इस कथा में हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति बिजनेस माइंड में डील करना चाहता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हमें क्या मिलेगा। तो इसमें उत्तर में कह रहे हैं कि राधा रानी कह रही हैं कि इसमें 8 लाभ है। जयति देदिकम जन्म नावृज तब कथमृतम तत् जीवनम कवि विहृतम कलम साप्रहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूविघ्नंति ते भूरिदा जना। कहते हैं तब कथामृतम, ये आपकी कथा कैसी है, अमृत है। और इसमें क्या होता है, अमृत क्या करता है, पीने मात्र से व्यक्ति अमर हो जाता है। तो ये कथा अमर है और इसका उदाहरण है कि शिव जी पार्वती जी की कथा सुनाते हैं और ये अमर कथा के नाम पे खेला जाता है क्योंकि दोनों अमर है भगवान की कथा के बल पे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए कलमसापहम, कलमसा मतलब पाप, जितने पाप है इन कथा के माध्यम से बैठे बैठे ही कथा के माध्यम से क्या हो जाते हैं, रघुबर भक्ति बारी छाली तचित बिन प्रयास ही सूझे तुलसीदास कर चित बिलास जे के पूछे तो पूछे तो पूछे। बैठे बैठे कथा सुनते सुनते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका प्रमाण क्या है, भगवान की कथा के भगवान के नाम के बल पर उल्टा नाम जब तजग जाना बाल की वृण ब्रह्म समाना नाम ले तब बस सिंधु सुहाई विचार कराना सुमन मन माही। जरा विचार करना योग्य बात है कि जब वाल्मीकि जी दसवीं रत्ना कर जब व्यास की श्रेणी से लेकर के भगवत कृपा शक्ति को प्राप्त करके भगवान की कथा को लिखने के लिए इतना बड़ा योग्यता उनको कैसे प्राप्त हुआ, इतने बड़े अघाई इतने बड़े पापी किस प्रकार को वाल्मीकि जी के स्वरूप में परिवर्तित हो गए। कहते उल्टा नाम से भगवान की कथा भगवान की वाणी नारद जी से प्राप्त उपदेश से ही उनके मन में इतनी बड़ी उनके मन में इतना बड़ा बदलाव आ गया कि किस प्रकार से संभव हुआ, भगवान की कथा के माध्यम से। कभी भी ऋतम कलम सापहम श्रवण मंगलम, इसमें कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से ही श्रवण होता है। जो कथा सुनने के आग्रह करता है उसी क्षण उसमें उसी के उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। इसी संदर्भ में मुझे एक बात सुनाते हैं वाल्मीकि रामायण की कथा। एक राज्य में राजा था जिसका नाम था सत्यवती, उसकी पत्नी का नाम था सत्यवती, पत्नी का नाम और सुमती जो था राजा का नाम। तो दोनों बहुत सुंदर से अच्छे बहुत अति अपूर्व परिपाटी से वो भगवत की आठों यहाँ सेवा करते थे भगवान के। एक समय एक ऋषि आते हैं विभांड ऋषि आकर प्रश्न करते हैं और देखते हैं आश्चर्य होते हैं कि इतने बड़े राज्य के राजा होकर इतने बड़े राज्य के मालिक होकर किस प्रकार तुम लोग अपने जो स्थान है, क्योंकि देखा जाता है हम अगर थोड़ी बहुत बाहर काम करते हैं हमें समय नहीं मिलता भगवान के नाम लेने की भगवान कथा सुनने की, पर जब इतने बड़े राज्य के राजा ये आठों या अपने खुद हाथों से कोई नौकर दास दासियों को नहीं अपने हाथों से वो राम के दरबार साफ करते ठाकुर जी की हर प्रकार की सेवा करते, इसको देख करके विभाग ऋषि बड़े आश्चर्य होकर पूछते हैं कि तुम किस प्रकार भगवत शरण में अनन्य रूप में परिपाटी से भजन कर रहे हो। इस बात को वो उनको पूछते हैं तो कहते हैं क्यों ना करें, जब इससे हमें फायदा ही फायदा मिला तो हम क्यों ना करें। तब वो कहते हैं कि देखो जो पूर्व जन्म की बात है या पर अति गोपनीय बात है वो हर किसी को नहीं कहा जाता है, परंतु आप संत हैं, आप इससे जगत को हमारी आदर्श से जगत को शिक्षा दे सकेंगे तथा आप हमारे इससे और भी आगे कुछ कृपा करेंगे, इसलिए हम आपको अपने जीवन के बात बताते हैं। पूर्व जन्म की ये जाति स्वर्ग है, पूर्व 3 जन्मों की बात इनको स्मरण था। एक समय ये काली और बोलो क्या नाम तो वाल्मीकि रामायण बोलो बोलो वाल्मीकि सुनाओगे तुम, ये वाल्मीकि रामायण की कथा है, ये वाल्मीकि स्वयं कह रहे रामायण लिखने से, बोलो विभांडक ऋषि आए थे जो, हाँ क्या हुआ, काली और दूसरी का नाम हाँ क्या बोलो, हाँ बोलो मालती, मालती हाँ। तो ये दोनों एक समय जो ये सुमति कह रहे हैं कि जब मैं अपने घर पे था मैं बहुत बदमाश था और मेरा
कोई काम में ना मन लगता, इसलिए मेरे घर में हर समय लड़ाई हुआ करता था। तब क्या हुआ कि किसी एक दिन ऐसा ज्यादा लड़ाई होने के कारण क्या हुआ, मेरे घर वाले मेरे को निकाल दिए घर से, तो मैं दुखी दुखी आकर के मन में विचरण करने लगा। और ये जो मेरी पत्नी है, इसने भी अपने पति को धोखा दे करके इसने भी जंगल में आ गई थी, तब उसने हत्या कर दी थी। और ये भय के मारे ये जंगल में मन में फिर रही थी। तब एक समय क्या हुआ कि हम दोनों ने देखा कि हमारे जीवन व्यतीत नहीं हो रहा है और एक दूसरे के साथ मिल गया और वन में रहने के हमें मौका मिल गया, तो दोनों ही विचरण करने लगे, नाना प्रकार अमेदे कुमेदे खाने लगे, पशुओं को मार करके खा रहे थे, बड़े कष्ट से जीवन बिता रहे थे खाने के चक्कर में। तब इन्होंने एक दिन देखा कि वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पे एक कथा, राम जी के कथा की शुरुआत होने जा रहा है, 9 दिन नवान्न पारायण होने जा रहा है। तब इन्होंने देखा कि वहां पे 9 दिन जो कथा सुनने के लिए आएंगे और कथा के उपरांत उनको प्रसाद भी मिलेगा, तो इनका एक बहुत बड़ा समस्या समाधान हो गया। भैया 9 दिन की बात है, 9 दिन बहुत बड़ी होती है, 9 दिन तक तो कम से कम खाने की कोई टेंशन नहीं है। तब इन्होंने क्या किया, दोनों मिलकर के कथा सुनते वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पे, और जब कथा के उपरांत उनको प्रसाद मिल जाता था, इस प्रकार 9 दिन बड़े स्वच्छ रूप में कटने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और दोनों की मृत्यु समय निकट आया। मृत्यु के उपरांत जब यमराज उनको लेकर गए तो देखा इनके खाते में एक बहुत बड़ा पुण्य लिखा हुआ है, और वो क्या था, तो यही था कि इन्होंने 9 दिन तक राम कथा श्रवण के साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, भगवत प्रसाद भी सेवन किया है। तो इसके फलस्वरूप पहले जन्म में इनको ब्रह्मा जी के लोक में इनको स्थान दिया गया। ब्रह्मा जी के कई साल तक, ब्रह्मा जी के 6 साल तक पहले मैंने रमा वैकुंठ में, 6 साल तक मैंने रमा वैकुंठ में सारे ऐश्वर्य को भोग किया। उसके बाद में 6 साल के बाद में फिर 6 साल आया ब्रह्मलोक में, वहाँ पर भी सारे ऐश्वर्य को भोग किया। उसके बाद में आए स्वर्गलोक में, वहाँ भी 7 साल तक सारे ऐश्वर्य। उसके बाद में इसी मृत्यु जगत में 6 साल अभी मृत्यु जगत में, मृत्यु जगत में आप सारे जो राज परिपाटी देख ही रहे हो। तो जब 9 दिन के अनजाने में हमें इतना बड़ा फल मिल सकता है, तो अब हमें समझ में आ गया है, अतः हम क्या कर रहे हैं, जान बुझ करके श्रद्धा भक्ति के साथ 8 ही अंक हम भगवान की सेवा छोड़ना नहीं चाहते। तो इससे श्रवण मात्र से किस प्रकार मंगल हुआ है, श्रीमद आदतम इसमें कहते हैं कि धन धन भी आता है इसमें, इसमें भागवत में बहुत सारे उपाख्यान आने वाला है उसमें। और फिर आगे कहते हैं जो तप्त जीवनम, ये जो जीवन है ये क्या है, कहते ना कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना रहे तो उदास। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, जीव इस जगत में आता है ही दुख पाने के लिए, तो ये संसार में दुखी दुख है। तो दुखी आसर के ऊपर बैठ करके हम जो दूसरे वस्तु से सुख ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं मत करो तप्त जीवनम। इस जीवन में, ये जो तपे हुए जीवन में जो 3 आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश और 4 दुखों के साथ जीव कष्ट में तप्त हो रहा है, तथा रूपी बिंदु बारिश की बूंद गिरने मात्र से ही उसको यहाँ से आराम मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे ये तप्त जीवन के लिए राधा जी कह रहे हैं कि उसका जीवन भी निरामय हो सकता है। तो इस प्रकार देखा जाता है कि श्रीमद् भागवतम की बहुत सी महिमा है। इसी कथा को अनेक अनेक जगह पर अनेक अनेक ऋषियों ने गान किया है, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने इसी कथा को बोला है कि ये भव रोग जो है इसका ये औषधि है। इसमें श्लोक आता है निवृत्त तस्य उपगीय माना बीमार व्यक्ति जब बीमारी में जूझ रहा होता है वो कैसे सही हो सकता है, उसके लिए उसको दवाई चाहिए होता है। तो ये संसार में जो हम आए हैं, तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य रूपी जो हमारे अंदर जो विकार और ये जो रोग है, इस रोग से कैसे त्राय हो सकता है, तब उसमें कहते हैं कि ये भगवान की कथा के माध्यम से ये औषध के रूप में काम करता है। इसलिए इसे औषध को पान करने मात्र से ही हमें क्या मिलता है, कथा में आनंद मिलता है। अब कहते हैं जो दवाई है वो दवाई कैसी होती है, जो एलोपैथिक दवाई
वो बहुत कड़वी होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं मुंह में पानी लेते एकदम से सटक जाते हैं। क्या ये कथा भी वैसे ही है? कहते नहीं नहीं ये कथा वैसा नहीं है, ये कथा कैसा है? कहते कानों को बड़े आनंद देने वाला ये कथा है, और ये कड़वी कड़वी दवाई नहीं है, ये दवाई इतने आनंददायक है कि इसको बार बार हम क्या करते हैं मुहूर्त और रसिका भूमि भाव का। जो व्यक्ति को इसमें आनंद नहीं आता है और वो फिर कैसा हो जाता है, कहते हैं वो लोगों को मार करके जो ऐसा होता है ना व्याध, जैसे बिना पशु बनाते हैं जो पशुओं को मार के काट के खाने वाले, उन्हीं के ही केवल इसी कथा में रुचि नहीं होता है। नहीं तो ये कथा बड़ा ही सुंदर मीठा है, और इस कथा को जो निवृत्त तस्वीर को किया माना कौन गान कर सकते हैं, जो निवृत्त हो चुके हैं किससे, जो भगवान के रूप माधुर्य को कौन गान कर सकते हैं, जो इस संसार के विकारों से निवृत्त हो चुके हैं वही इस कथा को गान कर सकते हैं। जो निवृत्त हो चुके हैं भगवान कथा में इतना रस हो भी आकृष्ट होकर के, वो लोग भी जैसे तुषार सुखदेव गोस्वामी वो लोग भी आकृष्ट होते हैं भगवान की कथा में। वो लोग तो जो मतलब परिनिष्ठित अभी उत्तम श्लोक लीला या चतुसंग जैसे बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी लोग भी क्या हो जाते हैं भगवान की कथा को सुन करके वो तुरंत उस अपने समाधि को छोड़ करके करोड़ों साल साल से जो समाधि ब्रह्म समाधि लगती है उससे भी वो हट करके भगवान की एक कथा उनको कहाँ तक ले आता है, भगवत चरणारविंद तक ले आता है। तो ऐसे विवृत जो आत्माराम मुनि लोग हैं उनको भी भगवत चरणारविंद तक लाने में समर्थ कौन है, भगवान की कथा है। मुखिया कहते हैं कि आपकी जो कथा है ये क्या है, ये अमृत है, और अभी अभी हमने उसको सुना था। फिर आगे सुत गोस्वामी कहते हैं प्रभु आप कथा कैसी है, काल व्याल खबरा काल व्याल खबरा सर, कहते हैं काल के सांप के समान है। अभी ये सांप क्या कर रहा है कि हमें निगलता हुआ जा रहा है, तो ऐसे सांप के मुख से बचने के लिए ये कथा रूपी नेवला के आश्रय करना पड़ेगा। जैसे नेवला होता है सांप क्या कर देता है काट देता है, और सांप क्या करता है घूम फिर कर उसे क्या मार देता है चोट मारता है। अब चोट मारता है तो वो क्या करता है नेवला, नेवला एकदम से क्या करता है जंगल की तरफ भागता है और वहां पे जाकर के कहीं से कुछ औषधि खा करके और एकदम से क्या करके मतलब सही होकर के आता है और फिर दोबारा लड़ाई करता है। वो दोबारा चोट मार देता है, फिर दोबारा वो थोड़ा सा बाहर की तरफ जाता है और फिर वहां से फिर दवाई खा करके फिर आकर के फिर लड़ाई करता है। तो कहने का मतलब यह है हम लोग जब तक इस कथा रूपी छत्र छाया में बैठे हुए हैं तब हमें किसी प्रकार मतलब इसी औषधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं तब तक हमें ये काल सर्प नहीं दर्शन कर सकता है। जैसे ही हम बाहर जाते हैं तब हमें काल तुरंत निकलने लग जाता है। तो कथा रूपी नेवला औषधि की अगर हम नेवला बन करके आश्रय लेंगे तो बारम्बार काल या माया काटने पर भी हमारे कोई भी कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, उल्टा इसी कथा रूपी औषधि को खा खा करके इतना बलिष्ठ हो जाएगा एक दिन जीव का भी शक्ति होता है तो वो माया के बंधन को काट करके राधे कृष्ण भजे करे गुरु सेवन माया जाने छुटे पाए श्री कृष्ण चरण प्रभु भगवत धाम तक पहुंच जाता है। इसमें कपिल देव कहते हैं, कपिल मुनि अपने माँ को कहते हैं माँ ये कथा कैसी है, ये बहुत वीर्यवती है शक्तिशाली कथा है। सताम प्रसंगात भवंती प्रसंगात मम वीर्य संवित भवंती रत करण रसायन कथा तज्जो सुनात अपवर्ग पद्मनी श्रद्धा भक्ति रतिर रूप प्रविशति। मां ये कथा कैसी इतनी बलवान है, परंतु वो कथा बलवान कब है, कहते संतों के प्रसंग से। गिरे गिरे व्यक्ति अगर ऐसे बात बोल दे तो इसमें कोई वो नहीं है, परंतु साधु संगे कृष्ण साधुओं के भीतर रह करके संतों के प्रसंग से जब हम भगवान की वीर्यवती कथा को सुनेंगे, अभी संतों के मुख से सुने थे तभी तो हम यहाँ पे बैठ करके आज तक भजन करने की हमारे अंदर कोई भी सम्मत है, नहीं तो गिरे गिरे व्यक्तियों के मुंह से अगर कथा सुनते तो हम आज यहाँ पे सुने ना होते। तो सताम प्रसंगात भवंती मम वीर्य संवित कर्ण रसायन कथा, ये कथा माता कैसी है, कहते हैं रसायन, रसायन किसे कहते हैं, 10 प्रकार की जड़ी बूटी से तैयार एक जड़ी बूटी को ही क्या कहते हैं रसायन कहते हैं, और दूसरे अर्थ में कहते हैं रसायन मतलब आयन मतलब आश्रय, जो सारे रसों का आश्रय है नारायण के तरह नरों की आश्रय,
ऐसा मतलब आश्रय है, किसका आश्रय? सारे रसों की आश्रय जो है ये कथा है। तो जो व्यक्ति इस कथा में डूबा रहता है उस वो ही इस जगत में सबसे बड़ा रसिक है। तो इस रसायन कथा के माध्यम से क्या होता है माता, तच्चो स्नान आसु अपवर्ग, ये प वर्ग मतलब प फ व कर्म, प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेर, व मतलब व्यर्थता, म मतलब व मतलब भय और म मतलब मृत्यु। जब एक व्यक्ति इस संसार में परिश्रम करता है तो उसका परिश्रम जैसे अंतिम समय में बुढ़ापे में वो क्या क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसका परिश्रम को जिसके लिए वो परिश्रम करता है उसका पुरुषार्थ सार्थक नहीं होता। परंतु जब एक व्यक्ति कथा सुनता है उसका जो परिश्रम है, अब जो वो कृष्ण के लिए कोई नौकरी कर रहा है कोई सब कुछ कर रहा है उसका परिश्रम क्या है, सार्थक है। फा मतलब फेर, फेर मतलब जब परिश्रम करता करता व्यक्ति उसका मुंह सूख जाता है और झाग निकलने लग जाता है, कहते इससे भी कथा से मुक्ति होती है। वह मतलब व्यर्थता, उसकी किसी भी प्रकार की कोई जीवन क्रिया व्यर्थ नहीं होता। वह मतलब भय, एक बार जो कथा के आश्रम में रहा वो भगवान के साथ जुड़ा, सदगुरु और भगवान के साथ जुड़ने के कारण उसके हृदय से भय निवृत्त होता है। माँ मतलब मृत्यु, आप उसको मृत्यु के किसी प्रकार कोई भय नहीं रहता है। तो माता ये कथा इस प्रकार रसायन है, इसको आनंद देने वाला है। कहते हैं कि हृदय कर्ण रसायन कथा, हृदय को और कान को, माता जी ये कान को बहुत आनंद देने वाली कथा है। और तभी तो इतनी बारी कथा को सुनने के बाद भी हमेशा लगता है कि नए नवाय आनंद जो कथा है, अलग अलग रसिकों के मुख से अलग अलग दृष्टि होता है। और कानों को और हृदय को, हृदय को अंदर जब ये कथा उतरती है तब जाकर के ये कथा वास्तव में फलदायी होती है। तो इस प्रकार के इसके पुराण का भी महिमा है, बहुत सारे महिमा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और ललित तू बोलोगे? हरे तू बोलोगे? गुरुजी मैं कब बोलूं? हाँ पूरा बोलना जो पहले से लिखा हुआ है ना। हाँ तुम बोलो, 10 मिनट तुम बोलो।